ऐसे छात्र मुझे मिले हैं, ऐसे भाई बहन मिले हैं जो कई सारी परीक्षाओं में भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, लगातार परिश्रम करते थे, उनके माता पिता भी उनके लिए अपने स्तर से हर प्रकार की व्यवस्थाएं करते थे लेकिन अंततः उनके हाथ में असफलता मिलती थी क्योंकि लगातार उनकी मेहनत नकल की भेंट चढ़ जा रही थी। लगातार पर्चा लीक हो रहा था, पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी, पेपर छापने वाला जो मशीन वाला था वो मशीन वाला ही पेपर आउट कर दे रहा था या क्वेश्चन बैंक आउट हो जा रहा था। भाइयों बहनों, जो पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले, सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियां, उनका भविष्य कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा था। इसलिए हमने ये कड़ा फैसला लिया और इसके कारण से जहां 80 से ज़्यादा लोग इस अपराध में जेल की सलाखों के पीछे गए और नकल का अध्यादेश लाने के बाद 5.5 लाख से भी ज़्यादा नौजवानों ने, छात्र छात्राओं ने, प्रतिभागियों ने भाग लिया और अब ये हो रहा है कि कोई छात्र कोई छात्रा एक परीक्षा में पास हो रहे हैं तो दूसरी में भी हो रहे हैं, जो दूसरी में हो रहे हैं वो तीसरी में भी हो रहे हैं। और मुझे कुछ ऐसे छात्र एवं छात्राएं भी मिले हैं जो 4-4 परीक्षाओं में एक साथ पास हुए, 4-4 परीक्षाओं में। एक विश्वास उनके अंदर लौटा है। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज चूँकि खजानदास जी ने कहा कि आप सबके बीच में मुझे कुछ बोलना है तो मैं एक बार फिर से, क्योंकि बहुत दिनों से डीएवी कॉलेज में आने का भी था और कई बार आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया, और ये काम आप जानते हैं, जब जहाँ जाना होता है, जब पहुँचना होता है, जब जो कार्य होना होता है वो सब प्रभु की इच्छा पर भी निर्धारित होता है। मुझे लगता है कि आज का दिन प्रभु ने नियत किया होगा आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत ही यहाँ नौजवानों के बीच में, हमारे कैडेट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, और सबसे अच्छा कि ये मेरे गुरुजनों के बीच में, क्योंकि लंबे समय तक मैं विश्वविद्यालय में रहा हूँ, गुरुजनों के बीच में जब भी मैं आता हूँ तो आप स्वयं को उत्साहित और ऊर्जा से भरपूर पाता हूँ। तो पुनः एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर हैं तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहे वो तीसरी में भी हो रहे हैं, और मुझे कुछ ऐसे छात्र एवं छात्राएं भी मिले हैं जो 4-4 परीक्षाओं में एक साथ पास हुए, 4-4 परीक्षाओं में।